अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आ गया एक नई वीडियो के साथ वापस से। आज की सॉरी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिंच की ब्रीडिंग टिप्स। आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्रीड कैसे ले सकते हैं फिंच से। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी बजीज पे, तो उस पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो अभी मैं एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ फिंच पर कि आप लोग अच्छे से अच्छी डाइट कैसे लें, अच्छी ब्रीड कैसे लें इससे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आप लोगों ने फिंच के डाइट का अच्छा ख्याल रखना है। जो मिक्स फूड में जो आप लोग देते हैं अपने फिंचेस को, जो ज़्यादातर लोग खाली बारीक कन्नी दे देते हैं या फिर खाली जो सस्ता नेचुरल सावा खिला देते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप अगर चाहें तो मिक्स कर देते हैं, लेकिन मैं देखिए मिक्स कर देता हूँ क्या नाम है फूड इनका दाना। जैसे उसमें लाल कन्नी जो होती है वो मिक्स करा लें, आप बारीक कन्नी खाली ले लें। मैं जो है वो तीन चीज़ मिक्स कर देता हूँ, लाल कन्नी, सावा और बारीक कन्नी। ये तीनों चीज़ मिक्स करके खिलाएं आप लोग, इससे अच्छी ब्रीड आती है। और मेरी चैनल पे मौजूद है आप लोगों के वीकली डाइट प्लान, जो आप लोगों ने मैंने दिखाया था कि किस दिन आप लोगों ने एग फूड देना है, किस दिन आप लोगों ने ग्रीन फूड देना है और किस दिन आप लोगों ने विटामिन्स और कैल्शियम देना है। तो आप लोग जाके जल्दी से मेरी वाली वीडियो देख सकते हैं। चले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपने डाइट प्लान जो मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। ये देखें, ये मेरी कॉलोनी है, मैंने वीडियो बनाई थी कॉलोनी की अपनी। ये देखिए जब मैंने डाइट प्लान दिखाया था, ये डाइट प्लान मेरी वीडियो में मौजूद है, आप लोगों ने कैसे यूज़ कराना है आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोग मेरी वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, इधर पे आई बटन आ रहा होगा, आप लोग आई बटन में जाके देख सकते हैं मेरी वीडियो। तो ये देखें आप लोगों मैं ब्रीड दिखा दूँ माशाल्लाह से, उसको माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। ये देखें एक बच्चा आया हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, और भी बच्चे आए हुए हैं वो नज़र नहीं आएंगे, वो मटकी के अंदर होंगे। ये देखिए एक बच्चा बाहर आया हुआ है, ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, कैमरा थोड़ा ब्लर हो गया। ये देखें ये बच्चा आया हुआ है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अच्छी चीज़ ये होती है कि आप लोग इसको जो मेरा डाइट प्लान है ये आप लोग फॉलो कराएं, एग फूड दें वीक में दो बार जिसमें लिखा हुआ है, ग्रीन फूड दें, कैल्शियम दें, विटामिन्स दें, ये सब चीज़ें दें आप अच्छी से अच्छी, तो ज़रूर बीट करेगी। और इसको मेन चीज़ ये होती है छिपकली से बचा के रखना, आप लोग छिपकली से इसको बचा के रखेंगे तो ज़रूर बीट करते जाएगी, सारा साल बीट करेगी ये। तोतों को तो मैं चले बचा देता हूँ, लेकिन इसमें जो मैं आपको बताता हूँ ये कि देखें साइड साइड आप लोग ऊपर देख सकते हैं, हर तरह से मैंने सीमेंट लगाई हुई है, चिपकली अंदर आ नहीं सकती। ये आप लोग अगर कॉलोनी बना रहे हैं ये काम आप लोग ज़रूर करें कि यदि घर में आप कॉलोनी बना रहे हैं, आप लकड़ी से पूरा बना दिए, साइड साइड में पूरा सीमेंट से या प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप लोग इसको कवर कर दें ताकि ये छिपकली और अंदर आ नहीं सके। देखिए मेरे इधर अंदर छिपकली आती नहीं है, तो माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड करती है दोस्तों, माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। चिक्स भी आ गए हैं बहुत सारे, तो देखें कितनी अच्छी ब्रीड आ रही है, और आप लोगों के पास भी अच्छी ब्रीड आएगी अगर आप लोग मेरी जो ये डाइट प्लान है इसको फॉलो करेंगे, आप लोग चीज़ें फॉलो करेंगे, धूप में रखेंगे। देखिए सनलाइट आ रही है यहाँ पे, सनलाइट है तभी देखें सनलाइट आ रही है, इनको विटामिन D3 मिल रहा है सनलाइट से, तो ऐसे इनकी अच्छी ब्रीड आती है। अगर आप लोग ये सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिंच ज़रूर आपके पास अच्छी ब्रीड करेगी। और मेन चीज़ जो होता है लोग ख्याल नहीं रखते इनके पानी का, पानी इनको गंदा दे रहे होते हैं, पानी इनको नहाने का पानी नहीं देते कभी कभी, तो इनसे लोग सही नहीं रह पाती। आप नहाने का पानी रोज़ चेंज करें, सुबह दें 10 बजे 9 बजे दें, शाम को निकाल दें पानी। और नॉर्मल जो फीडर होता है ड्रिंकर, ये देखिए ड्रिंकर मैंने लगाया हुआ है और ड्रिंकर मैंने भी निकाल दिया था। ये देखें नहाने का पानी मैंने इस पर दिया हुआ है, ये देखें इधर पर नहाने का पानी दिया हुआ है मैंने, उधर मैंने एग फूड दिया हुआ है, मैं उनको खोल के दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, इधर मैंने नहाने पानी डाल दिया है, वो मैं निकाल दिया ड्रिंकर। अभी शाम में मैं जैसे ये नहाने पानी वापसी निकालूंगा तो ड्रिंकर दे दूंगा। वो देखिए एग शेल्स भी मैंने वहाँ पे रखे हुए हैं, कैल्शियम के लिए मेन सोर्स है, और थोड़ा सा बाजरा भी है, कन्नी भी है, और जब एग फूड मैंने दिया था ये देखें आप लोग जो ख़त्म कर चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। तो यही चीज़ होती है, आप लोग इसका ख्याल रखेंगे तो आपके पास ज़्यादा अच्छी अच्छी ब्रीड आएगी। तो ये दोस्तों आज की इस वाली वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल बने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।